हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विथ पीडी। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी का लास्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक, गोनोरिया का इंट्रोडक्शन, साइन सिम्टम, इटियोलॉजी, कॉम्प्लिकेशन एंड पैथोजेनेसिस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ गोनोरिया। जैसे आप एड्स, सिफिलिस पढ़े हैं, उसी प्रकार से गोनोरिया भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और एक कॉज होता है नेसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया द्वारा। और ये जो नेसेरिया गोनोरिया है, ये ग्राम निगेटिव डिप्लोकोकस बैक्टीरिया होता है, ग्राम निगेटिव फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन ऑल्सो इन्फेक्ट द फेरिंग्स, कंजेक्टिवा और रेक्टम। बॉडी को ये जो पार्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट करता है। द बैक्टीरियम कैन ऑल्सो बी पास्ड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस ड्यूरिंग डिलीवरी। ये जो नेसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया है, ये ट्रांसफ़र हो जाता है इन्फेक्टेड मदर से फीटस में जब डिलीवरी के टाइम होता है। तो उस टाइम पे ये जो बैक्टीरिया है वो फीटस के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इटियोलॉजी ऑफ गोनोरिया के बारे में। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसा ही आने वाले हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो जैसे आप पढ़े हैं कि जो गोनोरिया है ये कॉज होता है नेसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया के द्वारा, तो इसमें वही पॉइंट हम लिख देंगे कि इट इज कॉज बाई नेसेरिया गोनोरिया। ये क्या है? ग्राम निगेटिव डिप्लोकोकस बैक्टीरिया है। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होता है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ गोनोरिया। एक गोनोरिया के पेशेंट में किस प्रकार का साइन एंड सिम्टम देखा जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है डिस्यूरिया। डिस्यूरिया एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। इसका मतलब होता है पेन व्हाइल यूरिनेटिंग। जब यूरिन पास होता है तो उस टाइम पे पेन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टर्ब मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी। सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद वेजाइनल से ब्लीडिंग होता है। नेक्स्ट है इंक्रीज वेजाइनल डिस्चार्ज, ETC। इस प्रकार का साइन एंड सिम्टम गोनोरिया के पेशेंट के अंदर देखा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में कि गोनोरिया के वजह से बॉडी के अंदर और कौन कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो सबसे पहले पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। फीमेल के अंदर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाता है, जो पेल्विक रीजन है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट है पेरीहेपेटाइटिस, इनफर्टिलिटी, इपिडिडाइमाइटिस, क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस, इंक्रीज रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन। जो HIV इन्फेक्शन है इसका भी रिस्क बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। तो इस प्रकार का कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है गोनोरिया के पेशेंट के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में। पैथोजेनेसिस मीन्स क्या होता है कि कोई भी डिजीज बॉडी के अंदर किस मैकेनिज्म या किस फेनोमेनन से डेवलप होता है, उस प्रोसेस को पैथोजेनेसिस बोलते हैं। तो जैसे नेसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया बॉडी के अंदर इंटर होता है या इनिशिएट होता है, तो नेसेरिया गोनोरिया जो है वो अपना नंबर को रेप्लीकेट करता है, नंबर को बढ़ाता है एंड ग्रो एट साइट ऑफ इन्फेक्शन। जहाँ पर इन्फेक्शन होता है वहाँ पर वो अपना जो नंबर है नेसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया का, वहाँ पर नंबर उसका बढ़ता है। उसके बाद में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है और उसके बाद फाइब्रोसिस में फाइब्रोटिक रिएक्शन मीन्स क्या होता है कि इसी रिएक्शन के द्वारा बॉडी के अंदर जो गोनोरिया का साइन सिम्टम है वो अपीयर होता है, जिससे हमें पता लगता है गोनोरिया डेवलप हो गया। तो इस प्रकार से बॉडी के अंदर गोनोरिया डेवलप होता है, इनिशिएट होता है।